Adhimal Family Winter College, myself is your science teacher. I will explain you chapter 1, Knowing My Body. It means हमारे शरीर के बारे में जानना, उसमें हम कैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसे हाउ टू मेक अवर बॉडी, हमारी बॉडी कैसे बनती है और उसमें कौन कौन से इंटरनल पार्ट एंड एक्सटर्नल पार्ट होते हैं. सो आई विल एक्सप्लेन टुडे. जो आपका चेस्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है उसमें हार्ट रहता है एंड लंग्स रहते हैं.
प्रोसेस, और उसके नीचे जो दिख रहा है पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हमारी सुरक्षित है। द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, द स्कल प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड द लिप्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स। देयर आर 206 बोन्स इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी। Muscular system. Muscles cover the skeleton. They are attached to the bones. The skeleton works together with the muscles to make our body move and work. There are more than 600 muscles in our body. Digestive system. The food is digested inside our body. The breaking down of food into simpler forms that our body can use to produce energy is called digestion. The food pipe, the stomach, the small intestine and the large intestine are organs that form our digestive system. Mouth. We take food in our mouth. It is chewed and mixed with saliva here. Food pipe. Food passes down through food pipe. Stomach. Food is churned and mixed with digestive juices. Small intestine. आपने देखा इंटरनल पार्ट जो है स्टोमक है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। हम लोग माउथ से खाना खाते हैं, उसके बाद में थ्रू फूड पाइप वो अंदर आता है, स्टोमक में आएगा। स्टोमक में फूड इज टर्न एंड मिक्स विद डाइजेस्टिव सिस्टम। टर्न मतलब पीसना, जस्ट लाइक जैसे चक्की में पीसते हैं, इसी तरह से फूड यहाँ पे पीसा जाता है और मिक्स हो जाता है। इसमें डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं, उससे मिक्स हो जाता है और वो फिर आगे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर के बॉडी से पास आउट हो जाता है। टाइम डाइजेस्टन इज कंप्लीटेड एंड फूड इज अब्सॉर्ब्ड। लार्ज इंटेस्टाइन, अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर। एनस, द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस। ब्रीदिंग सिस्टम, we breathe in and out air through our nose. The nose, the windpipe and lungs help us to breathe. When we breathe in, air enters through our nose and goes into the windpipe and finally enters the lungs. Nose, we take in air through our nose. Windpipe, air goes down in the windpipe. Lungs, the air reaches the lungs and the lungs expand. In this part system, it means breathing system or respiratory system. Nose से हम लोग सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस विंड पाइप के थ्रू अंदर जाती है, अंदर मीन्स लंग्स में जाती है। फिर लंग्स से हमारा उसमें मिक्स होकर के ब्लड में मिक्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। इट मीन्स हम लोग ऑक्सीजन गैस सांस लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू नोज के द्वारा, और उसके बाद जो गैस बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। The blood takes this oxygen to all parts of the body. The air we breathe out is called carbon dioxide. This is a waste gas. Circulatory system. Put your hand on the left side of your chest. What do you feel? You feel the beatings of your heart. Our heart is located on the left side of the chest. The heart pumps blood to all parts of our body. This blood is carried by blood vessels, thin tubes, to all parts of our body. The heart, the blood and the blood vessels make up. ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें हमारा जो मेन पार्ट है वो सिचुएटेड रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। हार्ट, हार्ट इज इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इट मीन्स ये हमारा, इसकी सुरक्षा कैसे होती है, रिब केज, आपने भी डिस्काई का सिस्टम में शो हुआ था, रिब केज में हमारा हार्ट जो है सुरक्षित रहता है और ये पूरी टाइम वर्किंग करता रहता है। क्यों? ये ब्लू और रेड आपको
आपको पाइप लाइन्स टू लाइन्स दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। रेड लाइन से हार्ट जब पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। उसके बाद में फिर जो है ब्लू लाइन जितनी भी शो हो रही है पूरी बॉडी से हार्ट वापस आके हार्ट में फिर वो प्यूरीफाई होता है, साफ होता है, फिर ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट पंप्स ब्लड टू बिग ब्लड वेसल्स, देन ब्लड गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम। Our body produces a lot of waste materials. They are harmful for the body, so they are thrown out. This is done by excretory system with the help of kidneys, lungs and skin. This is the excretory system. Excretory system itna hi waste material hamari body mein hai, like salt and bahut sare waste materials hote hain, wo kidney se filter hokar ke urine ke form mein बाहर निकल जाते हैं। आप कुछ शो हो रहा है, देयर आर टू किडनीज इन आवर बॉडी, इट मीन वन इज लेफ्ट साइड एंड अदर इज राइट साइड। राइट साइड इज स्लाइटली स्मॉलर मतलब थोड़ी सी छोटी होती है जिससे लेफ्ट साइड वाली किडनी से। तो किडनी वर्क करती है, फिल्टर करती है और यूरिन के रूप में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देती है। वे क्लीन ब्लड and throw waste as urine. When you breathe out, the carbon dioxide waste gas is thrown out of the body by lungs. Skin throws out extra water and sores as sweat. Nervous system. टुडे वी एक्सप्लेन फुल चैप्टर नोइंग माई बॉडी, इट मीन्स आपने देखना कि सारे हमारी बॉडी के अंदर कैसी पूरी बॉडी बनी हुई, सेल्स से मिलकर बनी हुई है, सेल्स से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गेन बनते हैं, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। तो पूरी बॉडी में हमारे साथ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, स्केलेटन सिस्टम होता है, इंटरनल ऑर्गन वी कैन नॉट सी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी से बाहर से इंटरनल ऑर्गन नहीं दिखते हैं और हमारी ना बोन्स दिखाई पड़ती हैं, ना ही मसल्स दिखाई पड़ती हैं। सब इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम से, स्केलेटल रहता है ब्रेन एंड रिब केज में लंग्स एंड हार्ट रहता है, पेल्विक गर्डल में यूरिनरी ब्लैडर रहता है। सब सिस्टम आपने देखे, जो हमारा नंबर वन सिस्टम था ब्रेन जो है, ब्रेन हमारा कहाँ रहता है, स्कल में रहता है, वो बहुत सारा सोचने का काम करता है, डेडिकेटेड पार्ट होता है। उसके बाद में हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो है वो भी बहुत डेडिकेटेड पार्ट होता है, एवरी टाइम वर्किंग इन आवर बॉडी, मीन जब हार्ट पंप करता है तो पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और उसके बाद में पूरी बॉडी से ब्लड वापस आता है, ब्लड ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी, ब्लड वापस आता है वेन्स। देन उसके बाद में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग माउथ से खाना खाते हैं, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, स्टमक में उसको पीस दिया जाता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं और फिर पार्टिकल जो है फिर उसके बाद में डाइजेस्ट होकर बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे, हमने देखा कि दो किडनी होती हैं, उनका मेन फंक्शन जो है हमारी बॉडी से फिल्टर करके जितना भी वेस्ट मटीरियल है थ्रू यूरिन के रूप में पास आउट बाहर निकल जाता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा देयर आर टू लंग्स इन आवर बॉडी, इट मीन लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड आर लोकेटेड, थ्रू वी ब्रीथ ऑक्सीजन गैस एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So now we explain our chapter 1 today. Next day, I will explain chapter 2, air. Okay, thank you. Good night.